कुर्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत नियामतपुर फाड़ी के नूर नगर स्थित एक आवास में 5 लोग किराए पर रह रहे थे एवं छापेमारी के दौरान उस घर से बंदूक बनाने की मशीन बरामद की गई। कुल्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत नियामतपुर फाड़ी के नूरनगर स्थित एक आवास में 5 लोग किराए पर रहते थे एवं छापेमारी के दौरान उस घर से बंदूक बनाने की मशीन बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक अशरफ खान के घर में रांची से आए कुछ लोग भाड़ा देकर पिछले 1 वर्ष 3 महीने से रह रहे थे एवं मकान मालिक ने 5,000 रुपए भाड़ा पर उस मकान को किराए में दिया था, परंतु वे लोग वहां बंदूक बनाने का कार्य कर रहे थे जिसकी भनक तक वहां के स्थानीय लोगों एवं मकान मालिक को नहीं लग पाई। गुप्त सूचना के आधार पर कुल्टी थाना पुलिस सोमनाथ भट्टाचार्य ने अपनी टीम के साथ मिलकर शुक्रवार को उस मकान में छापेमारी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही साथ वहां से कई बंदूक एवं बंदूक बनाने के औजार भी बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से इस मकान में बंदूक बनाने का कार्य चल रहा है जिसकी खबर तक किसी को नहीं लगी। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अनमित्र दास, सहायक पुलिस आयुक्त सनब्रता चंद्रा, थाना प्रभारी सोमनाथ भट्टाचार्य, फाड़ी प्रभारी पलास मंडल एवं अन्य पुलिस अधिकारियों ने इस विषय में कोई भी खुलासा करने से इनकार किया है। वहीं दूसरी ओर कोलकाता से आए टीमों द्वारा बंदूक बनाने वाले मशीनों को खोला जा रहा है, साथ ही साथ पूरे घर को बंद कर दिया गया है। पुलिस द्वारा इस कार्य में शामिल और भी लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। আমি তো জাস্ট এখনই এসেছি, এখনই শুনলাম কি মানে আর্মস তৈরি হতো এইখানে, হ্যাঁ, রিভলভার বন্দুক বা এইসব জিনিস তৈরি হতো। আমি এবারে কন্ট্রোলার কিন্তু আমি জানি না, হ্যাঁ, কোথায় থাকে না থাকে এত বড় ওয়ার্ড। আর যে লোকগুলাকে এখন দেখলাম যাদিকে নিয়ে যাচ্ছেন, পুলিশ বি কপি করেছে যে লোকগুলাকে, সেই লোকগুলাকে কোনো দিন দেখিনি এলাকাতে। এইখানে থাকতো, এখানে এই বাড়িতে থাকতো, কিন্তু রোডের উপরে চা দোকানে মহল্লাতে পাড়াতে কোনো দিন দেখিনি। আর এরা আমার মনে হচ্ছে এইখানকার নয়, পাড়ার কোন লোক না, এরা বাইরেরই লোক আছে, ভাড়া নিয়ে থাকতো। মানে কতদিন ধরে চলছে এটা সেটা বলা যায় না, আমরা জানতাম যদি, হ্যাঁ, কতদিন ধরে পাড়ার লোক থেকে শুনলাম কি মানে 5-6 মাস থেকে আছে ভাড়া, 5-6 মাস ধরে ভাড়াতে আছে। অনেকে বলছে লকডাউনের সময় ঢুকেছে, না না, লকডাউনের সময় ঢুকেছে, 5-6 মাস ধরে আছে তো, 5-6 মাস ধরে শুনেছি এই পাড়ারই লোক থেকে শুনছি, আমিও জানি না, হ্যাঁ, কি কতদিন থেকে। আর কেউ যদি ভাড়েদার রাখে সে কাউন্সিলর কে জানাবে, এরকম তো কিছু নাই। পাড়াতে শুনলাম কি 5-6 মাস ধরে ভাড়াতে ছিল। এখন মোটামুটি 3 জনকে নিয়ে গেছে, 3 জনেরই বাইরে। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবি নিউজ।